नमस्कार। 25 मई से आरंभ हो गए नौतपा। नौतपा कहते हैं सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने से। प्रथम 9 दिन यानी 25 मई से 2 जून तक 9 दिन सूर्य की प्रचंड गर्मी पड़ती है और इस प्रचंडता के कारण जो है लोग व्याकुल रहते हैं और इतनी किरणें तेज पड़ती हैं कि सूर्य की किरणों से समुद्र का जलवाष्प उड़ता है और जो भारत में अन्य क्षेत्रों में मानसून का कारक बनता है। यानी नौतपा प्रचंड गर्मी काल है, इसी कारण जो है मानसून बनते हैं और अधिकतर जून के पहले सप्ताह में ही मानसून शुरू हो जाता है और ये मानसून का कारक होता है नौतपा। जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में आता है, रोहिणी नक्षत्र में आता है, तो आर्द्रता कम हो जाती है, प्रकृति की शुष्क हो जाता है। मनुष्य के अंदर भी 70% से अधिक जल है, तो इसलिए हमें खूब जल संबंधी पदार्थों ग्रहण करें, साथ साथ दान भी करें। इन 9 दिन में जितना हो सके जल का दान, शरबत का दान, खरबूजे तरबूज आदि का दान करते रहें तो समझो कि ये नौतपा आपके लिए लाभकारी होगा। यदि नौतपा में गर्मी के साथ साथ आंधी आ गई या बारिश पड़ गई तो उसे कहते हैं नौतपा का गलना हो गया, यानी भंग हो गया। इससे फिर वर्षा का जो मौसम है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्रम बिगड़ जाएगा जो आगे दिक्कत करेगा किसानों के लिए। इसलिए नौतपा जो है पूरे मानसून का एक फलादेश है। धन्यवाद।